लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन दिवस है, जहां एक तरफ शरद पूर्णिमा है, दूसरे तरफ अभिधाम दिवस है और तीसरे तरफ महान ऋषि वाल्मीकि जी की जयंती है। और जो भारत का एक अमूल्य धरोहर और विरासत है, उसमें जो भगवान बुद्ध की मूल्य और सिद्धांत अहिंसा की, शांति की, मानव कल्याण की, ये भारत वही देश है जिन्होंने इस मूल्य और सिद्धांतों को विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे बौद्धिक मूल्य इस बात का प्रमाण है कि भारत कभी भी आक्रंता नहीं रहा है। भारत ने कभी भी हिंसा का पथ किसी देश के साथ नहीं अपनाया और आज भी उसी राह पर अग्रसर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र के एक सभा में कहा था, जो दूसरे देश युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, भारत सदैव भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर अग्रसर होता है। और आज इस अवसर पर 54 करोड़ हमारे बौद्ध धर्म के भक्तों को ये कुशीनगर का हवाई अड्डा स्वयं प्रधानमंत्री जी समर्पित करने के लिए अपने आप यहां हम सबके साथ उपस्थित हैं। ये वो कुशीनगर की धरती है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए चुना गया था और यहीं से कई 150 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में स्थापित है और यहीं से 200 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था और यहीं से कुछ थोड़ी दूर पर ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को बोध गया में मिली थी। तो आज यह हवाई अड्डा कुशीनगर का भारत के ऐसे 8 मुख्य बौद्ध स्थल को जोड़ने जा रहा है और एक आध्यात्मिक उद्देश्य हर भक्त का पूरा करने के लिए एक माध्यम बनने जा रहा है आज के दिवस पर। अब भक्तों को जोड़ा जा सकता है केवल उस हस्ती के द्वारा जो स्वयं अध्यात्मवाद के पथ पर अग्रसर हो, भगवान बुद्ध का संदेश अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने कामों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केवल सम्मिलित नहीं किया लेकिन पूरे विश्व को वासुदेव कुटुंबकम का दिशा और रास्ता दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और आज जो 79 वर्षों से संभव नहीं हुआ है वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव होने जा रहा है। इस हवाई अड्डे का इतिहास भी बहुत पुराना है और कई मोड़ से निकला है। 1942 में यह स्थापित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में और उसके बाद पूर्ण रूप से उपेक्षित रह गया था। जब प्रधानमंत्री जी ने अपना मन ठाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 2 साल के अंदर 260 करोड़ रुपए का 600 एकड़ भूमि में यह कुशीनगर का हवाई अड्डा एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है क्रियान्वयन क्षमता की। और ये केवल एक भारत का हवाई अड्डा नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। पिछले वर्ष 24 जून को कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया। एक नया टर्मिनल भवन भी हम बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये 9वां हवाई अड्डा है और आने वाले समय में 17 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। और जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वही स्थिति भारत की है।
70 साल में केवल 74 हवाई अड्डे देश में थे, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया 7 साल के अंदर 54 हवाई अड्डे भारत में स्थापित करके 128 हवाई अड्डे आज स्थापित हो चुके हैं। और पुरानी कहावत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब हमारी सोच और विचारधारा है कि केवल हवाई अड्डा अधोसंरचना के रूप में ना रहे, लेकिन आवागमन की सुविधा हो। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि जल्द से जल्द हवाई सेवा यहां शुरुआत होनी चाहिए, और आज इस मंच से प्रधानमंत्री जी का निर्देश का पालन करते हुए ये खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूं कि दिल्ली और कुशीनगर के बीच में जो लंबी एक दरार होती थी, लखनऊ के द्वारा आना पड़ता था कुशीनगर, वाराणसी के द्वारा आना पड़ता था, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली और कुशीनगर के बीच में हफ्ते में 4 बार 26 नवंबर से शुरुआत होगी। लेकिन यह मात्र शुरुआत है, 18 दिसंबर को कुशीनगर को मुंबई के साथ जोड़ा जाएगा और कुशीनगर को कोलकाता के साथ भी जोड़ा जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करें कि कुशीनगर देश की राजनीतिक राजधानी, कुशीनगर देश की आर्थिक राजधानी, और कुशीनगर कोलकाता के साथ भी जोड़ी जाएगी। हमारी सोच विचारधारा है कि विकास और प्रगति के पथ पर हम लोग अग्रसर हों, और जो 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर आप सबसे कहा था कि आपके आशीर्वाद को कर्ज और ब्याज समेत विकास कार्य के साथ लौटाया जाएगा, आज के एक दिवस पर कोरोना से तो प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश की जनता को बचाया है, 100 करोड़ वैक्सीन कल के दिवस पर पूरे देश में लग चुकेंगे जो विश्व का कीर्तिमान है, और उसी के साथ ये हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज विकास और प्रगति की एक नई लहर कुशीनगर क्षेत्र में स्थापित होगी। तो आज के इस दिवस पर हम सबके तरफ से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। और आज शरद पूर्णिमा के दिवस पर, अभिधामा दिवस पर और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए जय हिंद जय भारत।